Claro Moto G85 जो आता है 18,000 का एंड Axis Bank क्रेडिट कार्ड लगा के 17,000 में आप इसका बेसिक वेरिएंट ले सकते हो। मोटो ने अपने सक्सेस की राज को रिटेन रखा है, मतलब स्लिम फॉर्म फैक्टर, बहुत ही हल्का एंड स्लिम फोन है, 5,000 mAh बैटरी के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल है होल्ड करने के लिए। लेकिन एक बुरी बात भी है यार, ये आता है स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 चिपसेट के साथ, जो कि सेम है स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट की तरह, मतलब बस 5% की परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगी। एंड ये चिपसेट 695 निकला था 2021 में। अगर आपको आज से 3 साल तक चलाना है फोन तो क्या ये लेना सही रहेगा? वेल, सावधान रहें, सतर्क रहें। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। ऐसे हम लोग आउटडोर में है तो यार इसका कैमरा टेस्ट कर लेते हैं। इसका आता है बैक सेंसर 50 मेगापिक्सल का सोनी लिटिया 600। लिटिया, फटफटिया, चिटिया, कलैया सब एक जैसा साउंड करता है, लेकिन क्वालिटी कैसी है ये मैटर करता है। मोटो G85 में 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है एंड अल्ट्रा वाइड काफी अच्छी पिक्चर्स निकाल के दे देता है अपने प्राइस के अकॉर्डिंग। कलर साइज में हल्का डिफरेंस आएगा, लेकिन वही वाइब्रेंट कलर्स आपको मिलते हैं जैसा मेन सेंसर आपको प्रोवाइड करता है। इनकंसिस्टेंट है कैमरा, कहीं कहीं NHDR को लेके इश्यूज भी रहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी पिक्चर्स निकल के आएंगी जिसको आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर पाओ। मेन सेंसर भी काफी अच्छी पिक्चर्स निकाल के देता है विद वाइब्रेंट कलर्स, कभी कभी हल्की पिंकिश टोन रखती है, लेकिन मैं कहूंगी कि 80% टाइम आप सेटिस्फाइड रहोगे अपने क्लिक से। इवन जो स्किन टोन निकल के आ रही है ह्यूमन सब्जेक्ट की, वो भी ठीक ठाक निकल के आ रही है, मुझे बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है रात के टाइम काफी नॉइजी पिक्चर्स निकाल के देता है, लेकिन जो मेन सेंसर है वो फिर भी डिसेंट पिक्चर्स निकाल के देता है रात के टाइम में। पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करें तो आपको अच्छा खासा बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलता है। हाँ, कई बार हल्का फेक जरूर लगता है उतना ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर, लेकिन जो एज डिटेक्शन है मेरे ख्याल से प्राइस के अकॉर्डिंग काफी सही है एंड डिसेंट पोर्ट्रेट शॉट्स आप ले सकते हो अपने कैमरे से। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मोटो ने सेल्फी को इग्नोर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फी कैमरा भी ये लोग अच्छा दे रहे हैं। स्किन टोन सही निकल के आ रही है, फेस पे डिटेल्स निकल के आ रही है एंड इतना जरूर है कि आप अपने व्हाट्सएप DP को बार बार चेंज कर पाओ। सबसे खराब बात है फोन की कि 4K में आप वीडियो को शूट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका प्रोसेसर सपोर्ट ही नहीं करता है, और इसीलिए आप 1080p से ही शूट कर सकते हो। बैक कैमरा से स्टेबिलिटी आप खुद ही चेक कर सकते हो कैसी आ रही है एंड फ्रंट से भी आप 4K में शूट नहीं कर सकते हो। एंड फ्रंट से जो क्वालिटी निकल के आ रही है, फेस का जो स्किन टोन है, एक्सपोजर वगैरह है, आप खुद चेक कर लो। वैसे तो ये POLED डिस्प्ले देते हैं एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है, लेकिन कोई मायने नहीं रखती यार, गिरेगा तो टूट जाएगा, इसीलिए प्रोटेक्टर जरूर लगा के रखना एंड अभी भी इसमें स्क्रैच जो है वो पड़ चुके हैं। कलर कैलिब्रेशन की बात करें ना तो वो बहुत अच्छी है डिस्प्ले की, मतलब कलर्स काफ़ी परफेक्ट हल्के बूस्टेड निकल के आते हैं, लेकिन मज़ा आता है यार प्राइस के हिसाब से। और नेटफ्लिक्स वगैरह में आपको HDR का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी डार्क कंटेंट आप अच्छा खासा देख सकते हो, विजिबिलिटी सही रहती है। बाकी चिपसेट यार कैपेबल नहीं है 4K वीडियोस चलाने के लिए, 1080p 60fps पे ही आप वीडियोस को देख सकते हो इसमें। एंड वैसे भी यार जियो एयरटेल ने हमारी जो है ना औकात दिखा दी है, तो इतना खर्चा हम लोग करने नहीं वाले नेट चलाने में, तो 360p पे देख लेना भाई। बंद नहीं हुआ है, स्त्री 2 का ट्रेलर है, अब बहुत ज़्यादा डार्क है, तो तुम्हें कुछ समझ आ रहा है यहाँ पे? बीच बीच में आ रहा है, मतलब थोड़ा और ब्राइट कंटेंट निकाल के दिखाऊं डे लाइट में दिख रहा है कि नहीं। इस फोन की सबसे अच्छी बात है ना इसका डिज़ाइन, क्योंकि ये इतना स्लिम है, पकड़ने में इतना कंफर्टेबल, पीछे से ये जो मटेरियल है यार हाथों में अच्छा ग्रिप बैठता है, और थोड़ा सा यार ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा आई है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा आई है एंड थोड़ा हल्का फुल्का यूज़ किया है अभी तो, कैमरा टेस्ट शुरू भी नहीं किया है एंड स्टिल हल्का वार्म हो चुका है फ़ोन। तो अब आते हैं इसके प्रोसेसर पे, क्योंकि ये आता है स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 के साथ एंड थियोरेटिकली देखा जाए तो 5% का ही CPU बूस्ट मिलता है इसको स्नैपड्रैगन 695 के कंपैरिजन में। अब CPU बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की हेल्प से आप मल्टीपल एप्स एक साथ ऑपरेट करते हो, गेमिंग शेमिंग कर पाते हो थोड़ी थोड़ी। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ यार, तो जब आप एक दो ऐप्स ही चलाते हो तो स्क्रॉल करते टाइम भी आपको लगेगा कि हाँ 120 हर्ट्ज की स्मूथनेस फील हो रही है, रिफ्रेश रेट वाली, इवन जिटर्स फील नहीं हो रहे हैं, लेकिन इकट्ठे आप कई सारे ऐप्स ओपन कर लेते हो ना, वहाँ पे हो जाती है दिक्कत, वहाँ पे
थोड़ा सा लैगी फील होता है, वहाँ पे उतनी स्मूथनेस भी फील नहीं होती है। तो भाई प्रोसेसर वाइज उतना केपेबल फ़ोन है नहीं ये देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से, क्योंकि इसी प्राइस पे अच्छे प्रोसेसर्स आपको मिल जाते हैं। और गेमिंग की बात करते हैं, वैसे गेमिंग का भी बता दूँ मैं, उसके लिए इनडोर में चलते हैं। गेमिंग कुछ खास नहीं लगी मुझे, स्मूथ प्लस अल्ट्रा की ही मैक्स सेटिंग पे आप खेल सकते हो अगर ठीक ठाक खेलना चाहते हो थोड़ी देर के लिए, अदरवाइज फ्रेम रेट्स बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं BGMI जैसे गेम में, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन एक्सपीरियंस होता है। अब नेटवर्क की बात करते हैं, वैसे तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे 5G++ शो कर रहा था, लेकिन कई एरियाज जहाँ पे 5G पकड़ लेना चाहिए या सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे मैंने ऐसा फील किया कि थोड़ी सी सिग्नल में गड़बड़ी हो जाती है बीच बीच में। बाकी प्रॉक्सिमिटी सेंसर बहुत सही काम करता है, कॉल अटेंड करते टाइम यार बंद हो जाता है डिस्प्ले। बाकी NFC का सपोर्ट आपको इस फ़ोन में नहीं मिलता है। और हाँ, बैटरी मैंने एक्सपीरियंस की है कि थ्रू आउट द डे आप एंजॉय कर सकते हो, बैटरी लाइफ इसकी ठीक ठाक है। वैसे भी इसको क्या हैवी यूज़ करोगे आप, उतना केपेबल तो फ़ोन है भी नहीं, लेकिन थ्रू आउट द डे बैटरी चल जाएगी। अभी तो सही है लेकिन आगे फ्यूचर में क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि Moto H50 Pro, Moto H50 Fusion दोनों ही जब लॉन्च हुए थे यार बैटरी सही थी, लेकिन फिर एक महीने बाद डेढ़ महीने बाद आ गई प्रॉब्लम, भाई बैटरी ड्रेन होने लगी। तो इसमें भी ऐसा होगा या नहीं होगा मैं कुछ नहीं कह सकती। Moto G85 आता है हेलो UI के साथ, इसमें 2 ईयर्स की सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाएंगी एंड 4 ईयर्स की सिक्योरिटी पैचेस मिल जाएंगे। वैसे सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में तो भाई बहुत स्लो है, एक आध बार मिल जाए इनफ है, आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रख सकते। और सिक्योरिटी पैचेस भी काफ़ी ज़्यादा इररेगुलर है। उसके अलावा आप एनिमेशन जो है ठीक ठाक फील करोगे, हाँ उसमें भी आपको लगेगा कि बिल्कुल नाचते हुए ऐप्स बंद हो रहे हैं, फिर भी ठीक ठाक चल जाता है अदरवाइज़। साथ ही इस बार थोड़ा और चेंज आया है इसमें, फालतू के एक दो गेमिंग ऐप्स मैंने देखे हैं कि रहता है, फेसबुक भी रहता है, लेकिन यार कुछ लोग के लिए वो ब्लोटवेयर नहीं होता है। इसके अलावा आपको मोटो के फीचर्स मिल जाते हैं, मोटो सिक्योर, जिसमें आप ऐप्स ओपन करके दूसरी आईडी से चला सकते हो, या फिर ऐप हाइड कर सकते हो, या फिर फोल्डर हाइड कर सकते हो। एंड स्मार्ट कनेक्ट का भी फीचर मिलता है, जिसे आप लैपटॉप से सिंक कर सकते हो फ़ोन को, फाइल्स वगैरह शेयर कर सकते हो, टीवी के साथ सिंक्रोनाइज़ कर सकते हो। फीचर्स काफ़ी यूजबल हैं, मोटो के जो जेस्चर्स हैं ये वाले चॉप चॉप वाला, ये सब बहुत अच्छा है, या फिर रिस्ट ऐसे करो भाई कैमरा ओपन हो जाता है, तो ये तो आपको मोटो के सारे फ़ोन में मिल जाते हैं। तो अब हम आ गए हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी यार कि कुछ भी हो, फ़ोन जितना भी हल्का हो लेकिन काम ऐसा कर रहा है जिसके लिए मेरे पास इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है कि मैं बोल दूँ कि यस आप इसको ले सकते हो, 3 साल चला सकते हो, क्योंकि इसी प्राइस पे यार अच्छे फ़ोन मिल रहे हैं। 2000 और लगा लो, IQOO Z9 है, ऑलराउंडर है, एंड उसी की जो बहन है Vivo T3, दोनों एक ही फ़ोन है, एक ही जैसी चीज़ है, बस Amazon Flipkart पे मिल रहे हैं। ऑलराउंडर फ़ोन है, कैमरा से लेके प्रोसेसर तक डिज़ाइन भी ठीक ठाक मिल जाती है, एंड अगर कुछ डिफरेंट ट्राई करना है इवन CMA Phone 1 भी अपनी जगह ठीक है। इस फ़ोन को रिकमेंड मैं नहीं करूँगी, अगर आपको सेकेंड हैंड फ़ोन मिल रहा है G85 15,000 से भी कम का मिल रहा हो तो आप ले सकते हो, लेकिन 15,000 से अबव में इस फ़ोन को मत लेना आज की डेट में। और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। प्रोसेसर अच्छा हो तो फ़ोन की जो लॉन्जिविटी है वो भी काफ़ी बनी रहती है। तो ये था इस फ़ोन का मेरा रिव्यू ओवरऑल। वैसे आप बताओ आपको ये फ़ोन कैसा लगा, खरीदोगे नहीं खरीदोगे, या अपने दोस्त को खरीदने से रोकोगे, ये भी बता देना। तो हम लोग ऐसे ही तगड़े रिव्यू में मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। वैसे मैं हूं सृष्टि, आप देख रहे हो टेक्निलाटी, जहां आपको मिलते हैं अनबायस्ड रिव्यूज एंड इंटरेस्टिंग टेक एक्सप्लेनर्स। बाय बाय।